सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, आज ना हम फाइनली अपने चूजे को ना छोड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरा दोस्त भी आया है और इसके साथ ही हम जा रहे हैं भाई चूजे छोड़ने, मतलब देने ही जा रहे हैं दुकान पे। पता करते हैं भाई, जिस भाई से हमने खरीदे थे ना, वो तो भाई हमें दिखा ही नहीं बंदा। तो हम सोच रहे हैं भाई जाल पर ही जाते हैं, वहाँ पर भी चूजे मिलते हैं तो क्या पता हमसे ले लें। तो इस बॉक्स में रख देते हैं फटाफट से। तो ये भी गीले से होगा भाई थोड़ा, देखो बारिश का माहौल हो गया एक तो, बाकी इनको ना भाई दिक्कत भी हो रही है क्योंकि बारिश का माहौल हो गया है और इस वजह से भाई गीले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको रखने की जगह नहीं है। और छत बड़ी होती है ना, कसम से बता रहा हूँ भाई, इनके लिए मैं एक और घर बना रहता है स्पेशल, बट छत बहुत ज़्यादा छोटी है। तो ये 20 हैं भाई, तो इन 20 को भाई बॉक्स में रख लेते हैं और फटाफट से फिर चलते हैं भाई दे कर आते हैं। तो इसमें भाई मैंने छोटे छोटे सुराख कर दिए क्योंकि दूर थोड़ा दूर ही जाना है तो दिक्कत ना हो इनको। तो फटाफट से इसमें रखते हैं, लियो रखियो इसमें, राणा जी रखो, निकाल दी। देखो भाई गीले भी हो गए हैं थोड़े, भर दे भर दे। बेटा बारिश से छत भी साफ हो जाती है, लावर है उसमें भी शायद, दिखा दे दो है। देखिए और है, एक और है, दो है अभी भी, कितने हैं अभी, तीन यार निकल जा। आ गया आ गया आ गया, संतरी भी है के अंदर भाई साहब। ये ना पूरे मुर्गे बनने लग गए हैं, देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। देखते भाई लेते हैं या फिर नहीं लेते अंकल, अभी भी दो हैं बे, चार थे भाई। देखो हमारे यहाँ तो बिल्कुल सही सलामत है, अभी तक एक भी नहीं मरा। तो भाई इससे भाई एक सीख मिली है मुझे, अगर आप भी भाई चूजे रखते हो ना तो प्लीज़ भाई कभी भी ना 1, 2, 3, 4 ऐसे मत रखना। अगर आप इकट्ठे रखोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं, मैंने ये खुद नोटिस किया है। आप भी देख ही रहे हो हमारे यहाँ जब से थे भाई अभी तक एक भी नहीं मरा है, सारे के सारे बिल्कुल सही सलामत है। बस भाई कौवा लेके गए हैं दो, नहीं तो उसके अलावा नहीं मरा है। तो गाइस फाइनली मैं छत पर आ चुका हूँ और चूजों को हम देकर आ चुके हैं, मजबूरी थी देना पड़ गया। एक तो भाई उनकी रखने की जगह नहीं है, ऊपर से भाई ये बारिश का मौसम आपको तो पता है कितना ही ज़्यादा बुरा हाल कर देता है। और इतने से घर में बेचारे वो कब तक रहते हैं आप ही बता सकते हो यार, उनका भी भाई टाइम टू टाइम बड़े होते रह रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो इतने रहेंगे, भाई काफ़ी बड़े हो चुके थे, इतने इतने हो चुके थे। अभी भी गाइस बारिश हो ही रही है, ये देख सकते हो पूरा घर गीला है, पेटी मतलब पेटी तो अंदर से साफ सूखी सूखी है बिल्कुल, ये ऊपर से लकड़ियाँ गीली हो गई हैं और मतलब डड़बे वड़बे सब गीले रहते हैं और नीचे रख नहीं सकते भाई, क्योंकि भाई उनमें से ना अलग ही स्मेल सी आ रही थी, तो इस वजह से भाई मम्मी भी चिल्ला रही थी तो दे दिया हमने। वैसे भाई मरे एक भी नहीं हमारे पास, बहुत से भाई बोल रहे थे कि भाई मर जाते हैं, ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं। ये देखो यार बारिश हो रही है, मैं कबूतरों को खोलने आया था छाता वाता लेकर, अब बारिश हो गई, अगर बारिश हो ही गई तो मैं छाते में भी क्या कर लूँगा भला, कबूतर तो वैसे भी गीले हो जाएंगे बाहर। तो सोचते हैं यार दाना कैसे दूं आज कबूतरों को, अंदर ही दे दूं क्या, यही सोच रहा हूं। पर पेटी वालों की दिक्कत है ना यार, पेटी वालों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है भाई बारिश के टाइम पे कि दाना देने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ट्रे होती ना उनकी छोटी छोटी, तो दाना रख देता है उसी में, अपना खाते रहता है, पानी भी रख देता है। लेके आऊँगा यार जल्दी, वो भी खुलना तो पड़ेगा ही। तो फटाफट से यार कबूतरों को खोल देते हैं, एक तो भाई छाता पकड़ रखा है मैंने, अब वीडियो भी बना रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है अकेले क्या क्या करें। एक साइड से हटा देता हूँ, देखो भाई पेटी एकदम बिल्कुल सूखी है एकदम, लेकिन पन्नी से ना भाई बिल्कुल ही पानी नहीं जाता अंदर, देख रहे हो बिल्कुल सूखी हुई है पेटी। चलो अच्छी बात है अंदर पानी नहीं जाता एक बूंद भी, खोल देते हैं यार, बारिश ही हो रही है, बारिश में दाना देना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। और मुझे रंजन के कबूतर भी आज मुझे ही खोलने हैं क्योंकि रंजन यार कहीं चला गया है। आओ 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 भाई, खोल दिया मैंने इनको फटाफट से, अब दाना गिर देते हैं।
रहे हो गाइस कैसे बारिश में बेचारों को दाना देना पड़ रहा है। पूरी बारिश हो रही है, धीरे धीरे ही हो रही है पर हो रही है। बेचारों को ऐसी दाना देना पड़ रहा है, क्या करें, तकलीफ। आज घूम भी नहीं पाएंगे जरा भी। और कल जो गाइस अपनी एक बात बता दूँ, कल ना अपनी वो जो कबूतर हम खरीद के लाए थे वहाँ से, उसमें से एक कबूतरी कल भाग गई थी भाई, मतलब उड़ गई थी, अपने आप ही उड़ी और सीधा जाके भाई मतलब उड़ी बहुत देर तक छत पर ही, फिर उतर भी खुद ही छत पर ही थी, फिर उसको अपनी छत दिख गई, फिर वो वहीं जाकर उतर गई, फिर शाम को भाई वो लड़का देकर गया। और अंजन बता रहा था एक बार ना वहाँ से उड़ के फिर दोबारा अपनी छत पर आ गई थी, मतलब पूरा पूरा बैठ ही गई थी पर वो दोबारा वहीं जाके बैठ गई। देखो भाई आपका भाई कैसे दुख का पड़ा छत के अंदर। फटाफट से दाना खा लें तो देखता हूँ गोलू को कैसे दाना देता हूँ। फिलहाल गाइस आज है नेक्स्ट डे और भाई इतना ही अच्छा मौसम हुआ पड़ा है ना, कल ना गाइस बारिश भी तेज आ गई थी और फिर ना गाइस मैं जल्दीबाजी में पता वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बारिश हो रही थी और मुझे कबूतरों को दाना घेरना था फटाफट से। एक तो मैं गीला भी हो गया था बहुत ज्यादा क्योंकि मैं छाता पकड़ता ही कबूतर को दाना दे देता, तो इस वजह से भाई मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैंने कल रात को जो है अंदर ही इनको दाना दिया सबको। देखो ट्रे भी अंदर ही अभी तक देख सकते हो, तो अंदर ही दाना गिर दिया उनको, तो मैंने बाहर खोल के दे दिया था क्योंकि जब बारिश धीरे हो रही थी धीरे धीरे करके भाई बहुत तेज बारिश होने लग गई, तो उनको मैंने अंदर ही दाना गिर दिया। और भाई फाइनली हमने चूजों को भी दे ही दिया, ठीक है। तो बाकी बताना गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। और अगर ये मैं समझ रहा कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा डेली, बस क्या करें भाई, बस मजबूरी समझ लो एक, क्योंकि भाई कुछ ना वीडियो बनाने के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे, वीडियो बनाने में भी मज़ा आए। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था अपनी ये वाली छत ना भाई बनने वाली है, अगले महीने से काम स्टार्ट हो जाएगा इसका भी, तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो इससे पहले गाइस चैनल को अपने सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाली है हमेशा ही, क्योंकि इस छत पे ना भाई इतने कबूतर बैठेंगे ना आप भी गिन के थक जाओ क्योंकि ये छत ऊंची हो जाएगी बहुत ज़्यादा और मैं उसको ऊपर भी भाई बहुत सारी चीज़ें करूँगा। नहीं बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और चूज़े देकर मैंने सही किया है गलत किया ये भी आप कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।